आए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हम अपने घर का फेसिंग कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू चेक द फेसिंग ऑफ द हाउस ऑफ द प्रॉपर्टी। ये प्लॉट भी हो सकता है। आपका मेन एंट्रेंस कैसे चेक करेंगे, क्या मेन एंट्रेंस और घर के एंट्रेंस में फ़र्क होता है डायरेक्शन के अंदर, फेसिंग के अंदर। क्योंकि अक्सर ये सवाल आता है कि मेरे घर, हम फ्लैट में रहते हैं या किसी अपार्टमेंट में रहते हैं और अपार्टमेंट के अंदर जो है हमारी एंट्री अलग है और मेन गेट की एंट्री अलग है, तो क्या मेन गेट की एंट्री ज़रूरी है या आपकी अपनी पर्सनल अपार्टमेंट की एंट्री ज़रूरी है। इस बारे में बात करेंगे और कौन सा कंपास आप यूज़ कर सकते हैं कंपास अपने घर की डायरेक्शन चेक करने के लिए, कि कौन सा कंपास जो है वो एक्यूरेट होगा या उसमें से हम कैसे चेक करते हैं, ये इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जैसा कि मैंने बताया है कि हम बात करेंगे कि हाउ टू चेक द फेसिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, हम अपने घर की प्रॉपर्टी या अपने घर की फेसिंग कैसे चेक कर सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि हमेशा एक आर्ग्यूमेंट होता है या कई बार कोई भी क्लाइंट आते हैं जब हम उनसे पूछते हैं घर का नक्शा है आपके पास या घर की कुछ भी है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम्स कई बार घर से जुड़ी होती हैं। होता क्या है कि हमारी हॉरोस्कोप या कुंडली के अंदर इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स कई बार नहीं होती, और हम हॉरोस्कोप देखते हैं, कुंडली देखते हैं, तो मेजर प्रॉब्लम्स नहीं नज़र आती, मगर फिर भी आदमी को प्रॉब्लम आ रही है। किस चीज़ की आ रही है? तो ये प्रॉब्लम जो होती है वो टेम्प्ररी होती हैं, कि किसी कोई प्रॉपर्टी उन्होंने ऐसे ले ली है या कुछ डायरेक्शंस ऐसी ले ली हैं, कुछ कैसे रेंटेड प्रॉपर्टी ऐसी ले ली है, किसी में भी कुछ भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम्स क्या है उस बारे में तो अभी बात नहीं करेंगे, मगर हम ये सबसे पहले बात करेंगे कैसे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि सबका ये आता है कि मेरा जो घर है वो उत्तर दिशा का है, मेरा पश्चिम दिशा का है, मेरा इस दिशा का है। ज़्यादातर हम लोग सिर्फ चार दिशाओं पर या आठ दिशाओं पर चलते हैं, मगर हम बेसिक जो दिशाएं होती हैं जो चेक करनी होती हैं हमें कि हमारी एंट्रेंस किस के अंदर आ रही है, वो 16 मेजर दिशाएं होती हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हम उसको चेक कैसे कर सकते हैं। तो हम उसको जो चेक कर सकते हैं, वो चेक करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम फेसिंग की बात कर रहे थे कि फेसिंग कैसे होती है। फेसिंग का मतलब ये होता है कि हम किसको फेस कर रहे हैं। अगर हम नॉर्थ में खड़े हैं और साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो वो जो हमारी जो फेसिंग हुई वो साउथ फेसिंग हुई, क्योंकि हम साउथ को देख रहे हैं, हमारी जो फेस है वो साउथ को फेस कर रहे हैं हम, तो हमारी जो फेसिंग हुई वो साउथ को हुई। तो हम कैसे इसकी फेसिंग चेक कर सकते हैं, आइए मैं आपको लाइव लेके चलता हूँ। ठीक है, एक प्रॉपर्टी पे लेके चलेंगे और उस प्रॉपर्टी पे देखेंगे हम कि कैसे उस प्रॉपर्टी का वो मेन प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी की कैसे हम एंट्रेंस चेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि हाउ टू चेक द फेसिंग ऑफ अ प्लॉट, अगर खाली प्लॉट है तो उसकी फेसिंग कैसे चेक कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ देखिए, मैं आपको लेकर आया हूँ। जैसे कि प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एक सिंगल होल्डेड प्रॉपर्टी है, ये किसी का एक अपार्टमेंट कह सकते हैं या ग्राउंड फ्लोर है, ये पूरा फ्लोर इनका है। ठीक है, अब ये पूरे फ्लोर को हम चेक करेंगे कि कैसे हमने इसकी फेसिंग चेक करनी है। और सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी फेसिंग हम चेक करते हैं वो कभी भी घर के बाहर से नहीं करते। आप ये सोचिए कि आपको फेसिंग ऐसे चेक करनी है कि आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, और आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो फेसिंग मतलब अंदर आ जाइए घर के और बाहर की तरफ मुंह कीजिए, बाहर जा रहे हैं, बाहर निकलिएगा मत और वहाँ खड़े हो जाइए अपने गेट के सेंटर में। देखिए जैसे मैं दिखाता हूँ, देखिए ये गेट आ गया, यही अभी हम फ्लैट को बाहर से देख रहे थे, अब हम फ्लैट के अंदर आ गए हैं। ये फ्लैट के अंदर आ गए हैं और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बाहर का लुक है, ये डाउन की तरफ हम बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं, ये सेंटर में, इस गेट के बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, इस गेट के सेंटर में आ गए हैं। अब हम इसको चेक कर रहे हैं यहाँ की डायरेक्शंस। तो अब हमने यहाँ पे हाथ में कंपास रखा सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर कंपास में क्या होता है कि कंपास कैसे रखा है हाथ में, ये देखिए आप, ये कंपास आ गया। अब इस कंपास के अंदर मैं अभी तीनों कंपास के बारे में डिटेल में बताऊँगा, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए ये कंपास, ये कंपास को ना आपको जो रेड पॉइंट देख रहे हैं आप, ये जो रेड नीडल है, ये नीडल को आपको नॉर्थ की तरफ सेट करना है। इसको घुमाइए और ये इसको कोशिश कीजिए नॉर्थ की तरफ सेट होने की, मगर ये सेट हो नहीं पा रही है। इसकी वजह क्या है ये मैं आपको कंपास की जब पूरी डिस्क्रिप्शन बताऊंगा तो बताऊंगा कि क्यों नहीं ये सेट हो पा रही, ये क्यों नहीं रुक पा रही है इसके ऊपर। ठीक है, आइए दोस्तों, अभी हमने देखा कि कैसे हम प्रॉपर्टी को बाहर से, हमने देखा कि बाहर से हमने नहीं लेनी डायरेक्शंस, फेसिंग हमने बाहर से चेक नहीं करनी। अगर हम बाहर से चेक कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। ठीक है,
अगर हम अंदर से चेक कर रहे हैं तो अंदर से डिग्रीज कैसे देखनी है, ये मैं आपको तीन कंपस के माध्यम से बताऊंगा कि जिससे आपको पता चल जाए कि कौन से कंपस में एक्यूरेसी है। ये तीन कंपस ये वाले होंगे, एक ये सिंपल कंपस जो अवेलेबल है मार्केट में, और एक ये वाला कंपस जो थोड़ा सा एडवांस है, और तीसरा जो हमारे मोबाइल के अंदर होता है, कई मोबाइल्स के अंदर आता है और कई हम ऐप से डाउनलोड करते हैं। क्या ऐप से डाउनलोड करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, उस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐप से जो हम डाउनलोड करते हैं उस कंपस की एक्यूरेसी क्या होती है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब ये सोचिए कि हमने जो अच्छा ये डायरेक्शंस चेक करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने घर के मेन डोर के एंट्रेंस, अगर किसी किसी के घर के अंदर तीन डोर्स होते हैं मेन, एक नीचे का जो मेन एंट्री गेट होता है वो अलग होता है, क्योंकि हम अपार्टमेंट्स में जैसे हम चढ़ते हैं, मैं अभी आपको ये नक्शे के साथ दिखाऊंगा कि जब हम मेन से चढ़ते हैं और उसके बाद जब हम अपने मेन डोर में जाते हैं वो अलग होता है, सोसाइटी की एंट्रेंस अलग होती है, तो कौन सी डायरेक्शन का कितना प्रभाव पड़ेगा और कैसे हम प्लॉट की डायरेक्शन हम चेक कर सकते हैं कि प्लॉट कौन सा फेसिंग है, तो उस बारे में हम बात करेंगे इसके बाद। सबसे पहले अभी हम मोबाइल के कंपास के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कौन से कंपास कैसा है। ठीक है, अब वो जो हमने देखा था कि हमने सेंटर में रखना है हाथ के ऊपर, हमने देखा था। अब सबसे पहले जब हम ये वाला बेसिक कंपास यूज़ करते हैं, इसको हम जब भी हाथ के ऊपर रखेंगे तो हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये मैग्नेटिक उस वेव्स पे चलता है। अगर हमने आयरन बेल्ट पहनी हुई है या हमारे हमने आयरन कड़ा या कुछ भी ऐसा पहना हुआ है, तो उसके बाद जो ये इसकी जो डायरेक्शंस हैं वो शेक करती हैं, ये स्टेबल नहीं हो पाता, क्योंकि इसको मैग्नेटिव वेव्स के साथ ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। तो इसीलिए इसको चेक करने का एक तरीका होता है कि इसको आपको सेंटर में रखना पड़ता है किसी चीज़ के ऊपर, या फिर आप ये अपनी सारी चीज़ें जो अपने गैजेट्स आपने, मोबाइल भी अगर आपने पास रखा हुआ है तो उसको भी आपको दूर रखना पड़ता है। तो इसको मैं अब एक सेंटर प्लेस पे रख के आपको चेक करके बताऊंगा कि तीनों की डिग्रीज क्या आ रही हैं। तो यही आपने घर के गेट के सेंटर में डाल के करना है, सेंटर में रख के चेक करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम एक एक करके इनके बारे में चेक करते हैं। ये देखिए, जैसे ये नॉर्मल कंपास हमने रखा है, अब हमने इसको रख दिया एक प्रॉपर प्लेस के ऊपर, तो ये स्टेबल हो पा रहा है। अभी भी हल्का वाइब्रेट कर रहा है क्योंकि ये कैमरे की इसको हल्की सी, जिसे हम कहते हैं वेव्स, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं, मगर फिर भी ये नॉर्थ के ऊपर सेट हो गया। ठीक है, अगर अब हम ध्यान से देखें तो इसकी जो डिग्रीज आ रही हैं, जिस पॉइंट पे दिखा रहा है, ये पॉइंट पे दिखा रहा है, आप ध्यान से देखिए, तो ये साउथ ईस्ट की तरफ दिखा रहा है, और इसकी जो डिग्रीज आ रही हैं अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये जो डिग्रीज आ रही हैं ये 132 के आसपास आ रही है, 130 के पास, 120 और 140 के बीच में, तो 130 के बीच में आ रही है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं दूसरे कंपास से। अब ये कंपास है, इस कंपास में आपको क्या चीज़ चेक करनी है, ये क्या चीज़ नोट करके रखना है, इसका जो ये आप ट्राइंगल देख रहे हैं ये 360 डिग्री पे, जो 36 है ये 360 डिग्री होता है, इसको 360 डिग्री पे सेट रखना है, क्योंकि अगर ये 360 पे नहीं होगा, ये 0 और 360 एक ही होता है, क्योंकि जैसे हमारी अर्थ होती है ना, 0 और 360 डिग्री होता है, तो उस हिसाब से ये नॉर्थ पोल और 0 डिग्री ये एक ही होता है, कि 0 से शुरू होती है सारी डायरेक्शन डिग्रीज, और 360 डिग्री का पूरा सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है ये वो होता है 360 डिग्री का। तो अब ये 360 डिग्री का देखिए, अब इसको आपने सेट कर दिया, उसके बाद कंपास हमने सेम पोजीशन और सेम डायरेक्शन में रखा है, तो ये देखिए ये भी वही दिखा रहा है। अगर हम इसको ध्यान से देखें थोड़ा सा जूम करके, ये देखिए ये जूम में जा रहा है, अब ये भी यही दिखा रहा है 120 और 140 के बीच में, तो ये भी क्लोज टू 130 आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी हमारी, जिसमें हमने मोबाइल के अंदर ऐप डाउनलोड करके, क्योंकि मोबाइल के अंदर अगर इनबिल्ट है तो उसकी एक्यूरेसी ठीक होती है। अब जो हमने ऐप से डाउनलोड करते हैं, गूगल प्ले स्टोर से या ऐप से डाउनलोड करते हैं, उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, ये देखिए आप, ये देखिए, अब इसके अंदर कितना दिखा रहा है, ये इसके अंदर साउथ थोड़ा सा टिल्ट दिखा रहा है, तो इसके अंदर जो डिग्री दिखा रहा है वो दिखा रहा है 103 डिग्री। अब एक तरफ आ रही है 130 डिग्रीज दोनों कंपास में, और इसके अंदर आ रही है 102 डिग्री, 103 डिग्री। इसका ये मतलब है कि इसकी एक्यूरेसी में कहीं ना कहीं फ़र्क है, इसकी एक्यूरेसी में कहीं ना कहीं फ़र्क है। जैसा कि आपने देखा तीनों कंपास के बारे में मैंने आपको बताया, तो अगर आप उससे पूछेंगे कि बेटर और बेस्ट कौन सा है, तो बेस्ट जो सेकेंड नंबर वाला है वो ही होगा, ये वाला।
ये कम्पास थोड़ा सा महंगा आता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, मगर इस कम्पास से अगर आप चेक करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ठीक आएगी उससे। ये वाला अगर आप मार्केट से परचेज करते हैं तो ये आपको 100 रुपये के आसपास या 100-150 के अंदर मिल जाएगा, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। मगर इससे एक्यूरेसी, और देखिए आपने क्योंकि इसके साथ हम कंडीशंस क्या हैं कि आपको वो मैग्नेटिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं आसपास होंगी तो प्रॉब्लम देगा, मगर इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी बेटर होती है। तो ये आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं अगर आप अपने घर की डायरेक्शंस चेक कर रहे हैं। तो अगर मोबाइल से चेक कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने उसके अंदर नहीं जाना ऐप वाले के अंदर। अगर मोबाइल के अंदर इनबिल्ट है, जैसे महंगे फ़ोन्स एप्पल वगैरह के अंदर आ रहा है, तो उनके अंदर फिर थोड़ा ठीक है, उसकी एक्यूरेसी चेक की हुई है उसकी थोड़ी सी ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि अगर हमारी 3 एंट्रेंस है तो। ठीक है, सपोज़ कीजिए आपके आप किसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, ये सोसाइटी के अंदर अगर आप रहते हैं तो सोसाइटी के मेन गेट से एक बार आप एंट्रेंस चेक कीजिए। ठीक है, अब जो आप मेन गेट के सेंटर से एंट्रेंस चेक करेंगे तो उस एंट्रेंस का जो इफेक्ट आएगा वो पूरी बिल्डिंग पे आएगा, तो आप पे जो इफेक्ट आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि उसका जो पूरा इफेक्ट आप पे आएगा, क्यों? क्योंकि वो जो बिल्डिंग है, जैसे हम कहते हैं एक फ्रूट है, एक सेब है, अगर वो सेब के अंदर कुछ प्रॉब्लम है या सेब के अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, अनार इज़ द बेस्ट एग्जांपल, कहते हैं ना एक अनार 100 बीमार। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि अनार के अंदर एक ऐसा पीस होता है कि जिसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो आपकी कई बीमारियों को दूर करती है। अब वो कौन सा पीस है नहीं पता, इसीलिए कई लोग अपना अनार जो है वो शेयर नहीं करते। उस हिसाब से तो अगर आपने जैसे, हाँ अनार का एग्जांपल दे रहा था मैं, कि अगर आप वो अनार सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो उसका जो छोटा सा पार्ट आपके पास आ रहा है तो इतना फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा, इफेक्ट कम आएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर अब आपकी बिल्डिंग की एंट्रेंस की, अगर आपकी बिल्डिंग की एंट्रेंस अलग है और आपके जैसे फ्लैट्स हैं वो राइट या लेफ्ट शेप में आते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से एंटर करते हैं और उसके बाद जो फ्लैट है वो आपका राइट या लेफ्ट में आ रहा है, तो दोनों की एंट्रेंस अलग होगी, तो बिल्डिंग का इफेक्ट सारी बिल्डिंग पे आएगा, तो आप पे आएगा ज़रूर, मगर उसकी जो रेशियो होगी वो कम होगी। जैसे सोसाइटी के अंदर अगर 1000 फ्लैट्स हैं तो 1000 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो अब आप समझ लीजिए कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव मिलेगा। अब बिल्डिंग के अंदर 20 फ्लैट्स हैं तो वो 20 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी नेगेटिव और पॉजिटिविटी। अब अगर हम बात करते हैं आपकी मेन एंट्रेंस अफेक्ट करती है कि आपके अपार्टमेंट की मेन एंट्रेंस, तो आप अपने अपार्टमेंट की कैसे एंट्रेंस चेक कर सकते हैं, वही अपने अपार्टमेंट के गेट पे जाइए, जैसे कि अभी हमने दिखाया था, अपने एंट्रेंस के सेंटर में, और उसके बाद कंपास रख के आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन होती है। अब ये डायरेक्शंस कौन सी अच्छी होती हैं, किस डायरेक्शंस में आपको रहना चाहिए, ये डिपेंड करता है अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर। इसके बारे में हम ज़रूर आगे अपने आने वाले वीडियोस में बात करेंगे कि कौन सी डायरेक्शन किस तरह के मेंबर्स को सूट करती है, बिजनेस मैंस के लिए कौन सी सूट करती है, जॉब्स वालों के लिए कौन सी सूट करती है, वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए कौन सी सूट करती है, नए कपल्स हैं तो उनके लिए कौन सी एंट्रेंस सूट करती है, बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा हैं तो उनके लिए कौन सी एंट्रेंस सूट करती है। तो ये सारे बड़े टॉपिक है, उस पर हम आराम से बात करेंगे। अब हम अपने अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि हम प्लॉट का कैसे एंट्रेंस चेक करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे प्लॉट की पिक्चर आप देख रहे हैं, ये प्लॉट जो है, ये प्लॉट आपका, अच्छा प्लॉट कैसे होता है, क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि प्लॉट आपको 4 साइड ओपन मिले, प्लॉट ज़्यादातर 2 साइड ओपन मिल सकता है आपको, सिंगल साइड ही होते हैं वैसे तो प्लॉट, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे प्लॉट्स का जो हाल है उस हिसाब से ज़्यादातर चांसेस है कि आपको सिंगल साइडेड मिले, मगर अगर आपको 2 साइड भी मिल रहा है, 3 साइड भी मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप सबसे पहले इसमें ये चेक कर सकते हैं कि आपने उस प्लॉट के अंदर उसमें रोड कहाँ से है और आपने गेट मेन कहाँ से बनाना है, क्योंकि देखिए होता क्या, अगर आप नया प्लॉट बिल्ड करने जा रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको 2 साइड ओपन मिल रहा है, वो प्लॉट 2 साइड फेसिंग है। अब उसमें क्या होता है कि हर फेसिंग अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि हर फेसिंग कोई बुरी होती है, हर फेसिंग, जैसे हम 4 डायरेक्शंस होती है ना, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, हर डायरेक्शन के अंदर 2 जोन्स ऐसे दिए गए हैं, 2 जोन्स ऐसे दिए गए हैं, 2 द्वार ऐसे दिए गए हैं वास्तु के हिसाब से जो पॉजिटिव होते हैं, कि आप उसके अंदर अपनी एंट्रेंस बना सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिट हो। तो 16 डायरेक्शंस के अंदर ये समझ लीजिए कि अगर 16 डायरेक्शंस हैं, उसके अंदर जो द्वार की डायरेक्शंस है, क्योंकि 32 पीसीज में कट होती है, तो 2 जोन्स 2 एंट्रीज ऐसी दी गई हैं हर जोन के अंदर जिसके अंदर आप अपना मेन गेट बना सकते हैं और आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसमें इतनी चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर सिंगल साइड फेसिंग है तो आपको चेक करना बहुत आसान है, आप प्लॉट के सेंटर में चले जाएँ,
प्लॉट के सेंटर में चले जाएं और सेंटर में चेक करें कि कौन सी डायरेक्शन आ रही है आपके सिंगल फेसिंग की तरफ। जो डायरेक्शन आ रही है तो वो प्लॉट की डायरेक्शन होगी कि ये जो प्लॉट है ये इस डायरेक्शन का है, साउथ का है, क्योंकि एक साइड का नहीं आएगा, तीन साइड भी आ सकती हैं, वो तीन डायरेक्ट जोन्स भी आ सकते हैं, तो उसमें आपको सिंगल साइडेड ही देखना पड़ेगा कि ये प्लॉट किस डायरेक्शन का है। अगर वो टू साइड का आ रहा है तो फिर उसके बाद आप देखिए रोड कहाँ से पड़ रही है, किस तरफ से और बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो आप एंट्रेंस किस तरफ से बना सकते हैं। ये एक वास्ट इशू है कि जिसमें हमें प्रॉपर तरीके से एक वास्तुकार को, एक एस्ट्रोलॉजर को चेक करना पड़ता है कि किस तरफ से आप बनाएं आपके लिए बेनिफिट होगा, फिर उस हिसाब से बेडरूम की और किचन की टॉयलेट की सारी प्लानिंग्स उस हिसाब से होती है। मगर बेसिक चेक कैसे करना है वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो एक बार इसको हम समराइज़ करते हैं कि क्या क्या हमने कवर किया है इस वीडियो के अंदर। हमने कवर किया है कि कैसे आप अपनी होम की डायरेक्शंस चेक कर सकते हैं वास्तु से कि अपनी फेसिंग कौन सी है आपकी। अगर आपका प्रॉपर्टी है पूरी तो उसकी फेसिंग कैसे आप चेक कर सकते हैं, अगर वो आपका अपार्टमेंट है तो उसकी आप कैसे चेक कर सकते हैं, अगर प्लॉट है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, और कंपास आप कौन सा एक्यूरेसी पे आप ले सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।